हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को 200 साल ब्रिटिश राज की गुलामी से आजादी मिली थी, इसलिए भारत इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल सिंबल्स हमारे देश की छवि को दर्शाते हैं, तो आज हम इन्हें राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में जानेंगे और इन्हें अपनी ड्रॉइंग बुक में बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले ले लेते हैं एक व्हाइट A4 साइज शीट और लेंगे थोड़े वाटर कलर्स। वाटर कलर्स में सबसे पहले मैं ले रही हूँ ब्लू कलर, क्योंकि हम बनाने वाले हैं नेशनल बर्ड। यस, यू आर राइट, नेशनल बर्ड पीकॉक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ब्लू कलर को पानी के साथ घोल बनाएंगे और पाम प्रिंटिंग करेंगे। पाम प्रिंट हथेली पर पूरी अच्छे से ब्लू कलर को लगाएंगे और छापेंगे अपनी ड्राइंग बुक में, बिल्कुल इस तरह से। ये कुछ इस तरह से लगेगा। अभी पीकॉक बना रहे हैं, तो पीकॉक की बनाते हैं चोंच और उसके पैर। पीकॉक हमारे देश का नेशनल बर्ड है। ये ब्लू कलर का होता है और इसके फेदर्स बहुत ही सुंदर होते हैं। इसकी सुंदरता की वजह से इसे नेशनल बर्ड बनाया गया है। तो हम भी इसके पंखों को थोड़ा करते हैं आउटलाइन और ये बनकर रेडी हो गया है हमारा क्यूट क्यूट पीकॉक। तो आपने जाना आज हमारा नेशनल बर्ड, विच इज आर नेशनल बर्ड, यस पीकॉक। अब बनाते हैं हम हमारा नेशनल एनिमल, टाइगर। नेशनल एनिमल टाइगर, टाइगर होता है येलो। इसके लिए मैंने येलो कलर को यूज किया है और येलो को पानी के साथ उसका एक मिक्सचर रेडी किया है, फिर हथेली पर अच्छे से येलो कलर को लगाया है और इस तरह से प्रिंट कर दिया है अपनी शीट पर। शीट पर प्रिंट करेंगे हम बिल्कुल सीधा है, लेकिन उसके लिए हमें शीट को करना होगा थोड़ा सा उल्टा। उल्टा करने के बाद अब हम बनाएंगे टाइगर की आईज, उसकी प्यारी सी मूंछें और उसका फेस। याद रहे ये आप सबको खुद बनाना होगा। टाइगर के ऊपर आपने देखा होगा ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती हैं, तो हम भी बनाते हैं थोड़ी थोड़ी ब्लैक स्ट्रिप्स और ये रेडी हो गए हैं इसके पैर। तो हमारा प्यारा क्यूट सा टाइगर भी रेडी हो गया है, जो कि हमारा नेशनल एनिमल है। उसके बाद आपको ये लिखना भी है, नेशनल एनिमल टाइगर। अब इसके बाद बनाएंगे हम नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्लावर लोटस। उसके लिए मैंने रेड और व्हाइट कलर को लिया है, जिनको मिक्स करके बना दिया है पिंक कलर। पिंक कलर से कर दिया है हमने अपने हथेली को पूरा रंगीन और अच्छे से उसको हैंड पे लगाकर उसको ट्रेस किया आपने शीट पर, बिल्कुल इस तरह से। और अब मैं इसकी पेटल्स बनाने के लिए ब्लैक कलर से इसकी आउटलाइन कर रही हूं। आउटलाइन रेडी और ये बन गई इसकी छोटी सी स्टेम। स्टेम के साथ थोड़े से बनाते हैं लीव्स। लीव्स के लिए लिया हमने ग्रीन कलर और हमारा लोटस रेडी। लोटस बहुत ही सुंदर फ्लावर होता है, इसलिए इंडिया का नेशनल फ्लावर है लोटस। अब टर्न है नेशनल फ्रूट की। उसके लिए प्रिंट किया हमने येलो कलर से, येलो कलर से पाम प्रिंटिंग की बिल्कुल सीधा हैंड और फिर उसको हमने कर दिया उल्टा
और अब इसकी आउटलाइन करके हम बनाएंगे मैंगो। ये मैंगो बहुत ही बड़ा है, यमी एंड टेस्टी मैंगो। आपको पता है आम फलों का राजा है, किंग ऑफ फ्रूट्स मैंगो, क्योंकि मैंगो तो बच्चों का, बड़ों का, सभी का बहुत फेवरेट होता है। तो ये है इंडिया का नेशनल फ्रूट मैंगो। तो बच्चों आज हमने सीखा नेशनल बर्ड पीकॉक, नेशनल एनिमल टाइगर, नेशनल फ्रूट मैंगो, नेशनल फ्लावर लोटस, ये सभी हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक हैं। थैंक यू।